हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सब टीवी के टॉप 10 फ्लॉप शोज, यानी कि शोज जिनकी सबसे लोएस्ट टीआरपी रही है इन सालों में। एनीवेज, 4 साल पहले मैंने ये सेम लिस्ट डाली थी, सेम वीडियो डाला था, जो कि किसी रीज़न से यूट्यूब ने प्राइवेट कर दिया था। एनीवेज, ये वीडियो काफ़ी पॉपुलर था और अभी रिसेंटली मैंने देखा मेरी रिकमेंडेशन में वीडियोज़ आ रहे थे, मेरा ही वीडियो डाउनलोड करके कई दूसरे चैनल्स ने इन्हें अपने चैनल पर चोरी करके डाला हुआ था और यही लिस्ट को कुछ और चैनल्स भी अपने वीडियो में आजकल डाल रहे थे, वही पुराने वीडियो को चेप कर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इस वीडियो को दोबारा से एक बार डाल दूं, बिकॉज पुराना वीडियो प्राइवेट हुआ हुआ है। तो गाइस, इस वीडियो में जो भी शोज़ हम देखेंगे उनकी टीआरपी लो रही है, इन शोज़ का मेरे हेट्रेड से कोई भी लेना देना नहीं है, मेरा ओपिनियन ये नहीं है। भले ही शो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन जिस शो की टीआरपी लो है उसे फ्लॉप ही कहा जाता है, जैसे कि जिस मूवी का बॉक्स ऑफिस लो है उसे फ्लॉप कहा जाता है। एनीवेज, नंबर 10 से करते हैं स्टार्ट। नंबर 10 पर है डॉक्टर मधुमति ऑन ड्यूटी। तो वह सबसे पहले डॉक्टर भानुमति आया करता था, जो कि थोड़ा बहुत चल रहा था, थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग भी था। उसके बाद जब कविता कौशिक ने शो को एग्जिट कर दिया, फिर शो की कास्ट चेंज करके डॉक्टर मधुमति ऑन ड्यूटी स्टार्ट करा गया। शो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं रहा, शो बिल्कुल बोरिंग हो गया, शो की टीआरपी भी लो चली गई और लोगों ने देखना भी छोड़ दिया पूरी तरह से। शो में कुछ अच्छे कैरेक्टर्स भी थे, लेकिन किसी भी कॉमेडी के अटेम्प्ट पे हंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। एनीवेज, अब हम चलते हैं नंबर 9 पे। तो गाइज, नंबर 9 पे है भाई भैया और ब्रदर। तो गाइज, ये तीन भाइयों की स्टोरी थी, जो कि तीनों भाई एक दूसरे से काफ़ी अलग विचारों वाले थे। तो इस शो को देवन भोजानी ने डायरेक्ट करा था। शो में पोटेंशियल तो था, कास्ट भी अच्छी थी, लेकिन शो की टीआरपी नहीं आ पाई, शो फ्लॉप हो गया और जल्द ही बंद हो गया। नेक्स्ट नंबर पे, यानी कि 8th नंबर पे है त्रिदेवियाँ। तो इससे पहले त्रिदेवियाँ के फैंस गुस्सा हों, तो गाइस इस शो का एक डेडिकेटेड फैन बेस तो था, जो इस शो को ऑनलाइन फॉलो करता था, ऑनलाइन इसके एपिसोड्स देखता था, लेकिन टीआरपी यानी कि टीवी वाली व्यूअरशिप के मामले में इस शो की टीआरपी लो ही थी। स्टार्ट से लेकर एंड तक इस शो की टीआरपी लो ही रही और फिर इस शो को बंद कर दिया गया। हाउएवर, यूट्यूब वगैरह या फिर सोनी लिव पे इस शो को इसके जो फैंस हैं वो फॉलो करते थे, लेकिन टीवी पर नहीं। तो नंबर 7 पे है श्रीमान श्रीमती फिर से। तो गाइज, ये ओरिजिनल क्लासिक कॉमेडी शो श्रीमान श्रीमती का सीज़न 2 था, या फिर एक्चुअली रीबूट था नई कास्ट के साथ। ये शो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था, इसको लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। इस शो में कॉमेडी नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, किसी भी जोक पे बिल्कुल भी हंसी नहीं आती थी। एक्टर्स अच्छे थे, लेकिन फिर भी वो भी ओवर एक्टिंग कर रहे थे। इवन डायरेक्टर्स भी अच्छे थे, लेकिन आई डोंट नो इस शो को अच्छा क्यों नहीं बना पाए। हमें ओरिजिनल क्लासिक शोज़ को नई कास्ट के साथ वापस लेकर आना बंद कर देना चाहिए इंडियन डायरेक्टर्स को। आगे चलते हैं। तो गाइस, नंबर 6 पे है रम पम पो। हो सकता है आपने इस शो के बारे में ना सुना हो, लेकिन जो सब टीवी को पहले से देखते हैं उन्होंने सुना होगा। तो एक साइलेंट कॉमेडी शो था, एक्चुअली रोमांटिक कॉमेडी शो था, और ये दूसरे साइलेंट कॉमेडीज जैसे बिल्कुल भी नहीं चल पाया। जैसे कि सब टीवी पे सक्सेसफुल कॉमेडीज रह चुकी हैं साइलेंट वाली, गुटरगू के 3 सीजन्स, मालेगांव का चिंटू, लेकिन ये वाला शो बिल्कुल भी नहीं चल पाया था और इसकी साइलेंट कॉमेडी पे हंसी भी नहीं आती थी। तो ये शो कुछ खास नहीं था, लो टीआरपी के साथ ऑफेयर चला गया था। तो नंबर 5 पे है सब टीवी का पुलिस फैक्ट्री सीरियल। तो FIR के बाद ये सब टीवी का सेकंड शो था पुलिस वाला। तो पुलिस फैक्ट्री शो से इस शो की कास्ट भी बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था और इवन कुछ एपिसोड्स भी ठीक ठाक थे, लेकिन ये शो ज़्यादा नहीं चल पाया था। वीकेंड्स पे ये लॉन्च किया गया था, लेकिन लोगों ने ज़्यादा इस शो को पसंद नहीं किया, ज़्यादा ये शो पॉपुलर भी नहीं गया और लो ही टीआरपी रही इसकी और फिर ऑफेयर चला गया था। तो नंबर 4 पे है खटमले इश्क। तो गाइस, एक गरिमा प्रोडक्शंस की तरफ से शो था, जो कि चिड़ियाघर और लापतागंज जैसे सक्सेसफुल शो सब टीवी के लिए बना चुके हैं, लेकिन ये शो में उतना दम नहीं था। पहली स्टोरी में तो दम था थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी अलग अलग स्टोरीज आती गई, अलग अलग कहानियाँ होती थी सीरियल में, जो कि फैंस को ज़्यादा पसंद नहीं आई और इस शो की बिल्कुल लो टीआरपी रही और ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं रहा, फैंस को ये शो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, नंबर 3 पे है कॉमेडी सुपरस्टार। तो गाइस, एक स्टेज बेस्ड कॉमेडी शो सब टीवी पे स्टार्ट करा गया था, जो कि वीकेंड्स पे आया करता था। इस शो को सोनू सूद, शेखर सुमन और सुष्मिता सेन कर रहे थे होस्ट, और ये शो बिल्कुल भी इसमें कॉमेडी नहीं थी, यानी कि किसी भी एक्ट पे, किसी भी परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी हंसी नहीं आती थी। कॉमेडी के नाम पे इसमें, इस शो में कुछ भी नहीं था। शो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था, बहुत ही कम टीआरपी, 0.2 की टीआरपी हमेशा लेकर आया करता था और बुरी तरह सब टीवी के लिए एक फेलियर रहा था। सब टीवी के सबसे ज़्यादा फ्लॉप शोज़ में से ये वाला शो है, और इवन अच्छे जजेस वगैरह के बाद और अच्छा पैसा खर्चने के बाद भी ये शो अच्छा नहीं था।
तो गाइज नंबर टू पर है तू मेरे अगल बगल है। तो गाइज उस टाइम पर कपिल शर्मा शो काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा था, नया नया फेमस हुआ था और सब टीवी को भी उस टाइप का शो चाहिए था। तो तू मेरे अगल बगल है एक उस टाइप का स्टेज बेस्ड शो उन्होंने लॉन्च किया था। इवन कास्ट भी शो की बहुत अच्छी थी, लेकिन इस शो में बिल्कुल भी हंसी नहीं आती थी, बहुत ही ज़्यादा लेम जोक्स होते थे इसमें, बहुत ही वाहियात जोक्स। इतनी अच्छी कास्ट के बावजूद शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आप 5 मिनट भी शो को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस शो के लिए इन्होंने FIR को वीकेंड्स पे कर दिया था और इसी शो के कारण एक अच्छा शो प्रीतम प्यारे और वो ऑफ एयर भी चला गया था, बिकॉज उसकी काफ़ी कास्ट इसमें आ गई थी। ये शो फ्रेम्स प्रोडक्शन का था और बहुत ही बेकार शो था। वैसे मैं किसी शो को ऐसे नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये सच में बहुत ही बेकार था। इतनी अच्छी कास्ट के साथ इतना अच्छा पोटेंशियल था, लेकिन स्टिल बिल्कुल भी शो ने वो पोटेंशियल को यूज़ नहीं किया। बहुत ही बोरिंग ट्रैक से शो में देखने को मिलते थे, थोड़ी देर बाद बंद हो गया था लो TRP के साथ। तो आखिरी शो जो हमारे पास है वो है चलती का नाम गाड़ी लेट्स गो। तो गाइज एक्चुअली ये शो से ज़्यादा इस कार की ही प्रमोशन थी जो कि ऑल्टो है। तो ये शो भी जब तक ZEP TV पे रहा, इस शो की TRP बहुत ही लो रही और फैंस ने भी कुछ खास रिस्पॉन्स इस शो को नहीं दिया। तो ये शो भी ZEP TV के सबसे फ्लॉप शोज में से एक आता है, सबसे लोएस्ट TRP वाले शोज में से है। रोमित राज और सृष्टि रोडे प्ले करते थे इस शो में मेन लीड्स। तो गाइस ये थे Top 10 मोस्ट फ्लॉप शोज ऑफ ZEP TV, यानी कि सबसे लोएस्ट TRP वाले ZEP TV शोज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस पर एक Part 2 भी बना दूंगा, और भी काफ़ी फ्लॉप शोज हैं ZEP TV के लो TRP वाले। अगर इस वीडियो में किसी शो के आप फैन हैं तो आप बुरा मत मानिए, फ्लॉप का मतलब होता है लो TRP वाले। इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, जो शोज़ की TRP लो है उन्हें फ्लॉप ही कहा जाता है। इवन कई शोज़ जो कि मुझे बहुत पसंद आए हैं वो भी कई बार फ्लॉप हुए हैं। तो ये तो सब चलता ही रहता है, जैसे कि कई बार कई अच्छी मूवीज़ भी फ्लॉप हो जाती हैं, कई अच्छे शोज़ भी फ्लॉप हो जाते हैं, कई बुरे शोज़ भी चल जाते हैं। तो ये सब चलता रहता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग ZEP TV के अपडेट को मिस ना करें और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। ZEP TV पे अभी एक Top 5 प्रोडक्शन हाउसेज वाला वीडियो भी मैंने बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस ZEP TV के रिलेटेड और दूसरे चैनल्स के रिलेटेड भी आपको देखने को मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। ZEP TV के सारे नए अपकमिंग शोज़ की न्यूज़ वगैरह भी आपको मिलती रहेगी, जैसे कि दिल दियां गल्लां जो कि ZEP TV का अपकमिंग शो है, उस पर अभी के लिए जो इनिशियल डिटेल्स हैं हमारे पास उस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाकर आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। और ZEP TV के आने वाले महीनों में भी काफ़ी नए शोज़ आपको देखने को मिलने वाले हैं। उन सारे शोज़ की नई इन्फो, कास्ट इन्फो, रिलीज डेट, टाइम स्लॉट इन्फो, वो सब के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और भी ZEP TV के इंटरेस्टिंग अपडेट्स जिनके बारे में आप प्रोबेबली नहीं जानते होंगे, कुछ अननोन फैक्ट्स, ऐसी चीज़ें भी इंटरेस्टिंग स्टफ हमारे चैनल पर आता रहेगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।